हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं रेलवे जनरल साइंस, एसएससी जनरल साइंस, सभी एग्जाम्स के लिए जो भी जनरल साइंस है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले। गाइज, टॉप 50-60 क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। तो गाइज, फटाफट जुड़ जाएगा सेशन के साथ में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, निक किया हो तो घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा जिससे आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आता रहे। ओके गाइज, तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि 10 केजी भार की बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? क्या आंसर बनेगा गाइज? पहले ही क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग। बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या बनेगी गाइज यदि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है? गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे आएगा? गतिज ऊर्जा दी जाती है गाइज 1/2 mv² से दी जाती है हमेशा। तो 1/2 मास कितना है आपका? मास हो गया हमेशा 10 केजी, और वी स्क्वायर कितना है आपका? 20 का स्क्वायर कर दो मैं तो गाइज 400 हो जाएगा। ओके गाइज, सही है। तो यहाँ से 2 का भाग इसमें दे लेता हूँ मैं, तो 200 आ जाएगा। 200 को मैं 10 से मल्टीप्लाइड करूँ तो गाइज मेरा यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग पूजा सैनी, प्रकाश दामोड, इच्छा जोशी, जीतू जाट, रविराज, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके गाइज, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, बिल्कुल सही है। आपको पता चल गया गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv². आधुनिक अवसान में गाइज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की गाइज अपन बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दी गई थी गाइज? मौजले के द्वारा दी गई थी, ठीक है। और जो प्रारंभिक पीरियोडिक टेबल गाइज, प्रारंभिक पीरियोडिक टेबल दी गई थी आपकी दिमित्री मेंडलीव के द्वारा। मेरे को कल बगल में शादी थी, आज भी कुछ प्रोग्राम करने की है संभावना है, देखते हैं क्या होता है गाइज। आज भी तो डिस्टर्बेंस रह सकती है थोड़ी बहुत, बाकी कल से अपना सब रेगुलर हो जाएगा गाइज। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से आवर्त के अंदर लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं? गाइज, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तत्व कौन से आवर्त के अंदर होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? गाइज, पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखी है, इसके नीचे भी दो तत्व होते, दो लाइनें होती है, यहाँ पे भी एक जो लास्ट वाला आवर्त होता है। तो गाइज, ये जो लास्ट वाले होते हैं आपके लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर 2। 6 और 7 आवर्त गाइज आपका वो होता है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट तत्व है। 6ठा और 7वां आवर्त, आवर्त क्या होता है गाइज? जो भी आपकी हॉरिजेंटल लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं अपन आवर्त, और जो खड़ी लाइनें होती है गाइज उनको अपन बोलते हैं वर्ग। आवर्त को इंग्लिश में पीरियड बोला जाता है, और वर्ग को इंग्लिश के अंदर ग्रुप बोला जाता है गाइज। पिटकरी किसका एक उदाहरण है गाइज? पिटकरी का फॉर्मूला बताएगा, किसी को पता है तो दिलीप भूरिया जी, रविराज, पूजा, राघव, पूजा सैनी, विष्णु, आंसर दीजिएगा गाइज। पिटकरी का फॉर्मूला बताएगा, किसी को पता है तो। पिटकरी किसका एक एग्जाम्पल गाइज? सिंगल साल्ट का, फ्लैक साल्ट, टेबल साल्ट या डबल साल्ट? पिटकरी किसका एग्जाम्पल गाइज? यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में, डबल साल्ट। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डबल साल्ट। डबल साल्ट किसको कहते हैं गाइज? इसका पिटकरी के फॉर्मूले की बात करें तो इसमें देखिएगा KAL, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, SO4 का ट्वाइस, KAL SO4 का होल ट्वाइस, डॉट ऑफ 12H2O। तो ये डबल साल्ट का आपका कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा गाइज डबल साल्ट। फॉर्मूला देख लीजिएगा पिटकरी का, KAL SO4 का होल ट्वाइस, डॉट ऑफ 12H2O। इसके क्रिस्टल में जल के कितने अणु होते हैं गाइज? इसके क्रिस्टल में जल के होते हैं 12 अणु, 12H2O लास्ट में लगता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, दिए गए ऑप्शन में से कौन सी एक क्षार धातु है, बेस मेटल या एल्काइल मेटल कौन सी है गाइज? देखिए ऑप्शन में से आंसर दीजिएगा, एल्काइल मेटल कौन सी है, क्षार धातु कौन सी है, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या मैंगनीज? क्षार धातु कौन सी है गाइज? बिल्कुल सही आंसर है आपका, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर क्षार धातु। गाइज देखिएगा, पीरियोडिक टेबल की अपन बात करते हैं तो आपका जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 होता है इसको बोलते हैं अपन क्षार धातु है, और आपका जो ग्रुप नंबर 2 होता है उसको बोलते हैं अपन क्षार मर्दा धातु है। ध्यान में रखिएगा, ग्रुप 1 होता है वो कहलाता है आपका क्षार धातु है, और ग्रुप नंबर 2 कहलाता है आपका क्षार मर्दा धातु है। तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। है ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, रबड़ी सस्ती फ्री।
हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री से अपन याद कर लेंगे ग्रुप नंबर वन को, और इसके अंदर आपका ओनली सोडियम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर एक के साथ में। ओके गाइज, यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। कौन सी धातु का यूज इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है गाइज? निकल, चांदी, टंगस्टन या लोहा? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है गाइज उसके अंदर कौन सा तत्व होता है, कौन सा धातु होता है? बिल्कुल सही है गाइज, यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में टंगस्टन। टंगस्टन का ही क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, टंगस्टन का जो गन्नांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो होता है गाइज 3400 भी हो सकता, 3400 से 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ऑप्शन में गाइज एक ही संख्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे 3600 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिल सकता है, ज़्यादा संभावना है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा 3600 या 3600 के जो भी आसपास आपको दिखेगा वो आपको टिक लगा दीजिएगा गाइज। बिल्कुल सही आंसर दिया, वल्फ्रोमाइट होता है टंगस्टन का अयस्क। बिल्कुल सही आंसर दिया, टंगस्टन का जो अयस्क है वल्फ्रोमाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? आंसर तो दिख गया लेकिन अपने को पता होना चाहिए। देखिएगा जी, फॉर्मूला भी नहीं पता है तो देखिएगा, बल की यूनिट हमेशा न्यूटन होती है, तो अपन पहला टिक लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे न्यूटन है, यहाँ पे जूल है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अपने को कैलकुलेशन नहीं आती फिर भी अपन यूनिट देख के टिक लगा देंगे कि बल की मात्रा न्यूटन में होती है और ओनली न्यूटन में यही दिख रहा है, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी यहाँ पे अपन कैलकुलेशन करना चाहे तो कैलकुलेशन के लिए गाइज अपन फॉर्मूला लगाएंगे एफ बराबर एम इंटू ए का। अब अपने को गाइज ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एग्जाम में एक ही चीज़ देखिएगा, आप यूनिट देखिएगा, यदि आपका द्रव्यमान केजी के अंदर नहीं है तो केजी में कन्वर्ट कीजिएगा, यदि ग्राम में दे रखा है तो आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान में रखिएगा हमेशा यहाँ पे जो मास दिया जाता है वो किलोग्राम में लिया जाता है गाइज। ओके गाइज, वॉल्यूम इतनी रहेगी, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगी। ओके गाइज, और बाकी अपन देखें गाइज आपकी जो त्वरण है, त्वरण आपका 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ध्यान में रखिएगा जो यूनिट है वो भी आपकी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करनी है गाइज, चाहे आपको कुछ भी दे रखे है। आज बहुत धीरे आ रही है, पता नहीं आज कैसे धीरे आ रही है गाइज। गाइज यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा एफ बराबर एम ए से, एम हो जाएगा आपका 25 के जी और ए हो गया आपका 8, तो 25 इंटू 8 गाइज आपका राइट आंसर बन जाएगा 200। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं, एक लेंस की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, इसकी पावर कितनी होगी? फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, इसकी पावर क्या बनेगी गाइज? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, पावर क्या बनेगी गाइज? यहाँ पे हमेशा फॉर्मूला लिया जाता है पी इक्वल टू 1/f का। अब ये फोकल लेंथ क्या होती है ये अपने को समझ रहे, जैसे कि कोई अपने लेंस ले लिया, ठीक है गाइज, ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका पी यानी पोल कहलाता है, यहाँ पे एफ होता है, पी और एफ के बीच की जो दूरी है गाइज वो कहलाती है फोकल लेंथ, और यहाँ पे हो जाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, जो पी और सी के बीच की दूरी है वो इसकी रेडियस कहलाती है, पी और सी के बीच की दूरी रेडियस कहलाती है, पी और एफ के बीच की दूरी आपकी फोकल लेंथ कहलाती है, पी इक्वल टू होता है आपका 1/f, तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा 1/f। एफ कितना है आपका, अपन सॉल्व करते हैं इसको, एफ हो गया आपका 1/50 सेंटीमीटर। अब बताएगा गाइज क्या आंसर आने वाला है इसका। गाइज हमेशा ध्यान में रखिएगा आपको यहाँ पे जो सेंटीमीटर दे रखे हैं इसको भी आप लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस यूनिट कन्वर्जन आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया आपका 1/50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को गाइज मैं मीटर में बदलूंगा तो मैं यहाँ पे 100 का भाग दे लेता हूँ या मैं यहीं पर 100 का भाग दे लूँ, तो यानी 1/2 यहीं हो जाएगा मेरा, 1/2 यहीं कर लेता हूँ मैं, 100 का भाग दे के मीटर में बदल लिया, यानी 1/2 मीटर हो गई, और पी इक्वल टू 1/f यानी 1/1/2। अब ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, क्लियर है? तो यहाँ पे गाइज आपका राइट आंसर बन जाएगा 2 डायोप्टर। तो यूनिट कन्वर्जन आप लोगों को ध्यान में रखनी है, सिंपल फॉर्मूला याद होने से नहीं होता, हमेशा इसके अंदर एप आपको मीटर में लेनी है गाइज। देखे ऑप्शन में से प्रजनन के समान नहीं है, देखे ऑप्शन में से कौन प्रजनन के समान नहीं है गाइज? मुकुलन, विखंडन, पुनर्जनन या बहुविखंडन? जो नॉर्मल प्रजनन होता है उसके समान कौन सा नहीं है दिए गए ऑप्शन में से, क्या आंसर बनेगा गाइज यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर गाइज आंसर बन जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, पुनर्जनन आपका प्रजनन के समान नहीं है गाइज, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है गाइज, पुनर्जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, गाइज कोई भी निकाय, कोई भी ऑब्जेक्ट है,
इसमें दो समान बल, यानी इधर भी गाइस 10 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर भी 10 न्यूटन का बल लग रहा है। जब दो समान बल किसी भी बॉडी के ऊपर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो बॉडी के ऊपर कार्य करने वाला कुल बल कितना होगा, बॉडी पर कार्य करने वाला कुल बल कितना बनेगा गाइस, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? बिल्कुल सही आंसर है आपका, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर सी, जीरो फोर्स, बिल्कुल सही आंसर है जीरो। इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने एटम, कितने परमाणु से बंधे होते हैं? इथेन की बात हो रही है, इथेन के अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने परमाणु से बंधा हुआ होता है गाइज, क्या आंसर बनेगा इसका? इथेन में कितने अणु से बंधा हुआ होता है? तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार परमाणु। देखिए गाइज इथेन का फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, इथेन का फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+2 से दो दूनी चार, चार दो छः, C2H6 आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। एल्केन वाले स्ट्रक्चर से फॉर्मूला बना लिया, एल्केन वाला स्ट्रक्चर होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है गाइज, एल्केन का स्ट्रक्चर हो गया CnH2n+2। इथेन, इथेन में कार्बन दो होते हैं, तो मैंने कार्बन किस एन किस जगह दो रखा, तो ये तो दो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एन किस जगह मैंने दो रखा, तो दो दून चार दो छः, तो मेरे पास में इथेन का फॉर्मूला बन गया, ठीक है गाइज। मैथ, मैथ में एक कार्बन होता है, एथ में दो कार्बन होते हैं, प्रोप में तीन कार्बन होते हैं, ब्यूट में चार कार्बन होते हैं, पेंट में पाँच कार्बन होते हैं, हेक्सा में छः कार्बन होते हैं, इस तरीके से अपन याद करते हैं गाइज। अब देखिए गाइज कार्बन तो दो ही आपके सामने, अब इसके साथ में छः हाइड्रोजन को जोड़िएगा, तो गाइज एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन यहाँ आ गए और तीन हाइड्रोजन आपके यहाँ आ गए, तो एक कार्बन आपका कितने से जुड़ा है, एक दो तीन चार, तो आंसर बन गया आपका चार परमाणु से जुड़ा है, क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा C2H, इन सबको दे दीजिएगा एक एक, तो तीन एच तो इसके साथ में आ गए, तीन एच इसके साथ में आ गए, तो एक दो तीन चार, तो चार परमाणु से बंधे होते हैं गाइज। कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उत्पन्न नहीं होने वाला इफेक्ट कौन सा है गाइज, टेम्परेचर का या केमिकल का या मैग्नेटिक का या कॉन्ट्राडिक्शन, क्या बनेगा गाइज, ताप, रासायनिक, चुंबकीय या संकुचन, क्या आंसर बनेगा गाइज यहाँ पे? कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकुचन प्रभाव, कंप्रेशन प्रभाव, संकुचन प्रभाव आपका विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता, बाकी टेम्परेचर भी अपन उत्पन्न कर सकते हैं जूल्स ला, रासायनिक प्रभाव भी हो सकता है, चुंबकीय प्रभाव भी होता ही होता है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा उत्पन्न नहीं होता। वाहिकाएं किसके अंदर जल संचालन कोशिकाएं हैं, मुख्यतः जल संचालन कोशिकाएं कौन सी किसके अंदर होती है, ब्रायोफाइटा, कवक, थैलोफाइटा या आवृतबीजी। वाहिकाएं किसमें प्रमुख जल संचालन कोशिकाएं है गाइज, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज, नहीं किया हो तो अभी तक गाइज, आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका आवृतबीजी, आवृतबीजी पौधे होते हैं उसके अंदर प्रमुख जल संचालन कोशिकाएं होती है आपकी, आंसर बन जाएगा गाइज आपका आवर्तबीजी ऑप्शन नंबर डी। सफ़ेद फॉस्फोरस को किसके अंदर संग्रहित किया जाता है, आपका जो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको हमेशा किसके अंदर स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया सफ़ेद फॉस्फोरस को, सफ़ेद फॉस्फोरस को किसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है गाइज, यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क्या तुक्का मारा है, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर बन जाएगा गाइज, पानी, शराब के अंदर स्टोर करेंगे फॉस्फोरस को, पूजा जी कह रहे हैं शराब गाइज, यहाँ पे आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर एक के साथ है पानी, सफ़ेद फॉस्फोरस को पानी में स्टोर करके रखा जाता गाइज, ऑप्शन नंबर ए पानी। कोशिका विभाजन में कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता गाइज, उसी से रिलेटेड आप आंसर दे दीजिएगा, कोशिका विभाजन में कौन वृद्धि करता है, कोशिका विभाजन में कौन वृद्धि करता है गाइज, दिए गए ऑप्शन में से क्या आंसर बनेगा, कोशिका विभाजन में कौन वृद्धि करता है, कोशिका विभाजन में कौन वृद्धि करता है गाइज, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकिनिन या गिब्रेलिन्स, कोशिका विभाजन में कौन वृद्धि करता है, कोशिका अध्ययन क्या कहलाता गाइज, कोशिका अध्ययन क्या कहलाता आपका, ये गाइज देखिए ऑप्शन में से आप लोगों को एक हार्मोन आई है, चारों ऑप्शन दे रखे हैं हार्मोन है, हार्मोन में कोशिका विभाजन में कौन वृद्धि करता है, बिल्कुल सही आंसर है गाइज, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में साइटोकिनिन, और जो आपका जो साइटोलॉजी होता है, साइटोलॉजी कहलाता है अपन कोशिका का अध्ययन कहलाते हैं, गिब्रेलिन आपका एक वृद्धि हार्मोन है, यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा गाइज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, साइटोकिनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? देखिए गाइस, तत्वों की कईयों की संयोजकता फिक्स होती है और कईयों की संयोजकता बदलती रहती है। जिनकी भी संयोजकता बदलती रहती है, परिवर्तनीय संयोजकता है, वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? संक्रमण तत्व है, संयोजी तत्व है, क्षारीय या समूहक तत्व है। पीरियोडिक टेबल होता है, इसमें आपने देखा होगा इधर आपके मेटल्स हो गए, इधर नॉन मेटल्स हो गए, इनके बीच में जो तत्व आ जाते गाइस वो कहलाते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पे जो तत्व होते हैं वो कहलाते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट को हिंदी में बोला जाता है संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व है परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा गाइस, संक्रमण तत्व है। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश में बोला जाता है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट। विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। किसका विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है? गाइस, विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने, मेंडल ने, वालेस ने, लेमार्क ने? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया गाइस? आंसर बन जाएगा गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन गाइस आपका यहाँ पे राइट आंसर बनने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करता है। तो गाइज, जब सोडियम सल्फेट का मतलब गाइज आपका Na2SO4, सोडियम सल्फेट का मतलब गाइज Na2SO4, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है बेरियम क्लोराइड के साथ में। बेरियम क्लोराइड का मतलब गाइज BaCl2। ओके गाइज, BaCl2। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है तो क्या होता है गाइज? सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है या डबल कॉम्बिनेशन होता है? सिंगल कॉम्बिनेशन होता है या डबल डिस्प्लेसमेंट होता है? तो गाइज इसकी चलो अपन रिएक्शन करके देखते हैं। Na2SO4 को मैं BaCl2 के साथ में करता हूँ, तो गाइज ये जो Cl2 है ये तो Na2 के साथ में मिलके दो नमक के बना देगा 2NaCl, बच गए अपना Ba और SO4, तो ये अपना बन जाएगा BaSO4। अब देखिए गाइज इसमें क्या हो रहा है, दोनों की दोनों ने अपनी जगह छोड़ दी। SO4 इसके साथ आ गया और Cl इसके साथ आ गया, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आंसर बन जाएगा यहाँ पे दोहरा विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा गाइज, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेग क्रांति किससे संबंधित है गाइज? सफेद क्रांति आपकी दूध से संबंधित हो गई, ग्रेग क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति आपकी गेहूं उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित होगी। ग्रेग क्रांति का संबंध किससे गाइज? ग्रेग क्रांति का संबंध किसके साथ में बनेगा? आंसर बन जाएगा गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू, उर्वरक। उर्वरक गाइज आपका राइट आंसर बन जाएगा, फर्टिलाइजर उर्वरक, इनसे संबंधित आपका ग्रेग क्रांति। रेशम अध्ययन, कीट पालन, सेरिकल्चर और मछली पालन, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी आपका मछली पालन से हो गया और रेशम यानी सेरिकल्चर हो गया आपका। उर्वरक यानी गाइज आपका हो जाएगा ग्रेग क्रांति। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है गाइज? लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या है? देखिए ऑप्शन में से क्या आंसर बनने वाला है। लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या बनेगा गाइज? सिपानाज रविराज पूजा दिलीप भूरिया जी योगेश यादव रविराज पूजा सैनी पूजा राघव आंसर देते रहिएगा गाइज, शांत मत बैठिएगा। आंसर क्या बनेगा? लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या बनेगा गाइज यहाँ पे? लिथियम नाइट्राइड गाइज यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ में, Li3N। लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बनेगा गाइज आपका Li3N, ऑप्शन नंबर सी, Li3N। कौन से तत्व में दो कक्ष होते हैं और जो बिल्कुल पूर्ण रूप से भरे होते हैं? देखिए गाइज, कक्षा होगी ये एटम हो गया, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, बाहर के कक्षा हो गई, इसके बाहर एल कक्षा हो गई, इसके बाहर एम कक्षा हो गई, उसके बाहर एन कक्षा हो गई। लेकिन कौन से तत्व हैं उसके अंदर दो ही कक्षा होते हैं, ओनली के तत्व कक्षा और केवल एल कक्षा, और वह भी दोनों पूर्ण भरे हुए होते हैं? कौन से तत्व होते हैं जिनमें दो कक्षा होती है, जैसे कि इसके अंदर के कक्षा हो गई और एल कक्षा हो गई, दोनों कंप्लीट भरे हुए होते हैं। यानी के होता है के अंदर पूर्ण कक्षा दो होती है, एल होती है पूर्ण कक्षा, या तो इसके अंदर दो हो जाएंगे या इसके अंदर आठ हो जाएंगे। ठीक है, तो एल के अंदर वैसे आठ होने चाहिए। 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन कक्षाएं भरते गए, एन की जगह मैं दो रखूंगा तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो दूसरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कंप्लीट किस, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, पूर्ण रूप से भरे होते हैं और दो कक्ष होते हैं, तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर वन, नियोन। नियोन आता है आपका गाइज कितने नंबर पे आता है? नियोन आता है आपका 10 नंबर पे आता है।
दिए हो, 10 नंबर पे आता है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो दोनों कक्ष बिल्कुल कंप्लीट भरे हुए हैं, दो ही कक्ष है, ठीक है। बाकी में आप देखोगे तो कक्षा की संख्या बढ़ जाएगी आपकी, बाकी में आप जाओगे तो कक्षा की संख्या बढ़ जाएगी आपकी। हीलियम की बात करें तो इसकी दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए दूसरी कक्षा के अंदर, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा गाइस नियॉन ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है गाइस, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी की त्रिज्या भी बता दीजिएगा कमेंट करके। रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पे गाइस क्वेश्चन अपना पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 10^22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा या 25 आएगा गाइस, यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 × 10^24 के जी, 6 × 10^24 के जी गाइस आपको द्रव्यमान लेना है। और 6400 किलोमीटर आपको करनी है पृथ्वी की त्रिज्या, अप्रॉक्सीमेट 6400 किलोमीटर ध्यान में रखिएगा, किलोमीटर बोला मैंने यहाँ पे, यूनिट भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, 6400 किलोमीटर, ठीक है। और मीटर में बदलोगे तो, मीटर में बदलोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 64 × 10^5 मीटर, ये हो जाएगी गाइस आपकी रेडियस, ठीक है। डायमीटर पूछ लें, व्यास पूछ लें तो इसका आप डबल कर दीजिएगा, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा, ना कि अपने दिमाग में क्या बैठा हुआ है उसको अपन टिक लगा दें, ठीक है। अपने को पता है कि 6400 किलोमीटर होती है और अगले ने डायरेक्ट व्यास पूछ लिया, व्यास में आपसे ऑप्शन में 6400 किलोमीटर भी दे दिया और आपने 6400 का डबल भी दे दिया, 4 × 8, तो आप टिक लगा दो इस पर। अगला पूछ रहा है व्यास, तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा अपने को आते आते भी। तो गाइस यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा 6 × 10^24 के जी होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। निम्न में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन सा विकल्प गाइस जीवाश्म ईंधन नहीं है, फॉसिल फ्यूल्स नहीं है, कोयला, तेल, पेट या बिजली, जीवाश्म ईंधन नहीं है दिए गए ऑप्शन में से, कोयला, तेल, पेट या बिजली, बिल्कुल सही है गाइस आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है बताइएगा गाइस, देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। गाइस मरकरी को क्या बोलते हैं, मरकरी को बोलते हैं हिंदी के अंदर बुध ग्रह, विनस को बोलते हैं हिंदी के अंदर शुक्र ग्रह, पृथ्वी हो गया, मार्स को हिंदी में बोलते हैं मंगल ग्रह, ये आपका सूर्य हो गया, सूर्य हो गया सबसे पहले, इसके बाद में होता है बुध ग्रह, सबसे इसके नज़दीक होता है, उसके बाद में आपका शुक्र ग्रह हो जाता है, उसके बाद में आपकी गाइस पृथ्वी आ जाती है, उसके बाद में आपका मंगल आ जाता है। अब बताइएगा गाइस क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, सबसे नज़दीक आपका बुध ग्रह है, उसके बाद में शुक्र ग्रह, तो गाइस यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा बनेगा गाइस, बुध बनेगा या शुक्र बनेगा या पृथ्वी बनेगी या मंगल बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है गाइस, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर 2 के साथ में, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, विनस, विनस बोलते हैं शुक्र को, मरकरी बोलते हैं बुध को, अब कहोगे सूर्य के पास में तो बुध है और शुक्र बाद में, ऐसा क्यों, शुक्र ज़्यादा गर्म क्यों है, शुक्र गर्म इसलिए ज़्यादा है क्योंकि गाइस इसका जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर CO2 बहुत ज़्यादा है और इसका एनवायरनमेंट भी इस तरीके का कि पूरी किरणों को अवशोषित कर लेता है, मतलब वापस से रिफ्लेक्ट नहीं करता और पूरा अवशोषण करने की वजह से यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर का वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो इसी प्रकार का, CO2 यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा गर्म है। लिक्विड कागज़ क्या है गाइस, आप लोग बहुत बार लाइफ के अंदर काम ले चुके हो, तरल कागज़ क्या होता है, तरल या लिक्विड कागज़ क्या होता है, ज़िंदगी में बहुत बार आपने काम में लिए, बताइएगा कागज क्या होता है, कागज़ जो गीला नहीं होता, कागज़ जो तरल पदार्थ में बदल जाता है, या जो सिककर सूखने वाले कागज़ के रंग का लिक्विड पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है, या कागज़ जो कभी सूखता नहीं है, लिक्विड कागज़ क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे आपका लिक्विड कागज़ गाइज, आपने एक नाम तो सुना होगा वाइटनर, वाइटनर कोई भी चीज़ गलत हो जाती है अपन उसके ऊपर वाइटनर फेर देते हैं, वही वाइटनर आपका लिक्विड कागज़ है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सिककर सूखने वाले कागज़ के रंग का, कागज़ के रंग का लिक्विड पदार्थ जो भी मुद्रित सामग्री है, जो भी अपने लिखा है उसको करेक्शन करने के लिए काम में लिया जाता है, वाइटनर लिक्विड कागज। निम्न में से किस विकल्प का अर्थ है कि जो कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है, आंसर देना है कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है, स्कॉग, पोल्यूटेंट, क्लॉग या स्मॉग, चार ऑप्शन में से किसका मतलब है कि कोहरा धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है, कोहरा धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया, कोहरे और धुएं मिल जाए तो प्रदूषण फैला जाए, किसका मतलब है ग,
गाइज यहाँ पे आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में स्मॉग। स्मॉग गाइज आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, जिसका मतलब है कोहरा और धुआं आपस में मिल जाए, प्रदूषित हो जाए, स्मॉग कहलाती है ऑप्शन डी। ए पी जी ए आर स्केल का क्या मतलब है गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें, पर्वतों की ऊंचाई मापने की एक स्केल होती है, या टाइम मेजर करने का एक स्केल होता है, या नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल होता है, या लंबी आयु निश्चित करने का स्केल होता है। गाइज ए पी जी ए आर स्केल क्या होता है, ए पी जी ए आर स्केल क्या होता है? चलो गाइज मैं यहाँ पे फुल फॉर्म बता देता हूँ। एक का मतलब एग्जाम में जरूर पूछ लिया जा सकता है। एक का मतलब होता है गाइज अपीयरेंस, किस तरीके से दिखता है, अपीयरेंस। पी का मतलब होता है गाइज पल्स, धड़कन है, ठीक है। जी का मतलब यहाँ पे हो गया ग्रीमेस, ग्रीमेस का मतलब किस तरीके से उसके मुंह की एक्टिविटी होती है, मुंह को किस तरीके से करता है उसको बोलते हैं ग्रीमेस, ठीक है। एक का मतलब यहाँ पे एक्टिविटी, लास्ट वाला एक का एक्टिविटी, और आर है इसका मतलब रेस्पायरेशन। तो यहाँ पे गाइज अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पायरेशन, जो भी नवजात बच्चा होता है उसकी जो सब एक्टिविटीज़ है वो देखने के लिए ए पी जी ए आर स्केल काम में लिया जाता है। यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का एक स्केल होता है जिसको बोलते हैं ए पी जी ए आर स्केल। एग्जाम में पूछा जा सकता है पी का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, सभी बता दिए गए। एम यानी अपीयरेंस, पी यानी पल्स, जी यानी ग्रीमेस, ग्रीमेस का मतलब मुंह की एक्टिविटी, ए यानी एक्टिविटी, और लास्ट आर का मतलब रेस्पायरेशन, श्वसन। काला सोना क्या है गाइज, काला सोना क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट्सएप ग्रुप की बजाय टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा नामदेव एकेडमी के नाम से सर्च कीजिएगा, और नामदेव एकेडमी डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाएगा आपको, दोनों ग्रुप मिल जाएंगे गाइज। काला सोना क्या है, अपरिष्कृत सोना, पेट्रोल, कोयला या कार्बन, क्वेश्चन नंबर 28। नामदेव एकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है गाइज, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइज यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल, पेट्रोल आपका राइट आंसर बन जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर किससे बना हुआ होता है, विनेगर किससे मिलके बनता है गाइज, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड, बताएगा गाइज। सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड, विनेगर किससे मिलकर बनता है गाइज, आपका राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पे आंसर सही जाएगा, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बन जाता है आपका CH3COOH आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा गाइज, एसिटिक एसिड विनेगर। जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है, अपने जो हाइड्रो पावर प्लांट है बिजली से जहाँ पे बिजली बनती है, पानी से जहाँ बिजली बनती है वहाँ पे कौन सी ऊर्जा का कौन सी ऊर्जा में रूपांतरण होता है गाइज, बताइएगा। गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है, या यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है, या रासायनिक का विद्युत में होता है, या वायु का विद्युत में होता है। जल विद्युत हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें क्या होता है गाइज, हाइड्रो पावर प्लांट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका गाइज टर्बाइन लगा है, टर्बाइन की यहाँ पे जो प्लेट्स है, यहाँ टर्बाइन के आगे आपका अल्टरनेटर लगा है, जनरेटर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो टर्बाइन है, टर्बाइन की जो ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर ऊपर से आके पानी गिरेगा, ठीक है, पानी गिरेगा टर्बाइन को घुमाएगा। अब पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो पानी ऊपर से नीचे फ्लो होते हुए आ रहा है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा हो जाती है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा शामिल हो जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा कि गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ध्यान में रखिएगा टर्बाइन का नहीं पूछा अपने से, टर्बाइन अपने को मैकेनिकल ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अपने से पूछा गया टोटल जल विद्युत, टोटल जल विद्युत पूछा गया, तो यहाँ से ऊपर से पानी आया, पानी में गतिज ऊर्जा हो जाएगी, और लास्ट में अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ऑप्शन बन जाएगा गाइज यहाँ पे। मोटर क्या काम करती है गाइज, मोटर करती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जनरेटर या आपका जो अल्टरनेटर गाइज वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है गाइज, ठीक है, देख लीजिएगा। मोटर है विद्युत को मैकेनिकल में बदलता है, जनरेटर या अल्टरनेटर आपका मैकेनिकल को विद्युत में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं, ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 31। आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ग्रंट, गुरगुराहट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा गाइज, गुरगुराहट।
सबसे जहरीली मछली कौन सी है? सबसे जहरीली मछली कौन सी है दिए गए ऑप्शन में से? सबसे जहरीली मछली कौन सी है? गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए पफर फिश। सबसे जहरीली मछली ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा गाइज, पफर फिश ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, मल्टीमीटर। देखिए गाइज दाब की यूनिट क्या होती है आपकी? पास्कल होती है। दाब की यूनिट पास्कल होती है। तो वायुमंडलीय दाब की यूनिट क्या बनेगी? वायुमंडलीय दबाव को अपन किसके अंदर मेजर करेंगे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। वायुमंडलीय दबाव को अपन किसके अंदर मेजर करेंगे? अपनी जो दाब की यूनिट पास्कल होती है, वायुमंडलीय दबाव को अपन किसके अंदर मेजर करेंगे? यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा अपन मेजर करते हैं वायुमंडलीय दबाव। थर्मोमीटर से अपन टेम्परेचर मेजर करते हैं। मल्टीमीटर से कहते अपन मल्टी चीज़ें मेजर करते हैं। मल्टी चीज़ें का मतलब अपन ने रेजिस्टेंस भी मेजर कर लिया, वोल्टेज भी मेजर कर लिया, करंट भी मेजर कर ली, यानी इस पर एक वो होता है इस तरीके से होता है पॉइंटर, उसको अपन सब जगह घुमाते रहते हैं। मल्टीमीटर से सब चीज़ें अपन मेजर कर लेते हैं। लैक्टोमीटर दूध के अंदर काम आता है। वायुमंडलीय दबाव किसके अंदर मेजर किया जाता है? पेरोमीटर की सहायता से मेजर किया जाता है। और हमेशा इसकी जो यूनिट होती है वो ध्यान में रखनी है आपको, बार होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमेशा बार में मेजर किया जाता है। और नॉर्मल जो प्रेशर होता है वाइज वो है अपना पास्कल होता है, ध्यान में रखिएगा दोनों चीज़। वायुमंडलीय दबाव को बार में मेजर किया जाता है। हीरा निम्न का सख्त रूप है, बिल्कुल सही है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का पता लगाया जाता है गाइज। हीरा किसका सख्त रूप है गाइज? सिंपल सा क्वेश्चन है। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया, ये सब क्या है? कार्बन के अपरूप है। आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जीन्स के निर्माण और विपणन का श्रेय किसे जाता है? जीन्स हो गए, उसका जो निर्माण और विपणन का श्रेय किसे जाता है? जीन्स के निर्माण और विपणन का श्रेय किसे दिया जाता है गाइज? क्वेश्चन नंबर 35 गाइज आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर या लेवी स्ट्रॉस। जीन्स के निर्माण और विपणन का श्रेय दिया जाता है गाइज। मल्टीमीटर होता है गाइज, उसके अंदर अपन कई चीज़ें मेजर करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाले शॉप्स होते हैं ना, उसके ऊपर मल्टीमीटर होता है हर चीज़ टेस्टिंग करने के लिए। करंट आ रही नहीं आ रही, वोल्टेज कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, उसके दो तार से होते हैं, येलो येलो सा होता है, आपने कभी देखा होगा लाइफ में, छोटा सा होता है, अपने मोबाइल जितनी साइज होती है, येलो येलो कलर का होता है, और बीच में उसके एक इस तरीके से होता है पॉइंटर, जिस तरीके से अपने जो वोल्टेज स्टेबलाइजर का वो पॉइंट घुमाते थे ना, जैसे वो पहले वाले बड़े बड़े पंखे के रेगुलेटर आते थे उसके से उस जैसा था। और यहाँ पे अलग अलग होता है, वोल्टमीटर है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अलग अलग सिंबल्स होते हैं, और यूनिट भी बढ़ाने का होता है, वो होता है मल्टीमीटर। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का लेवी स्ट्रॉस। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था गाइज? पिस्तौल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? पिस्तौल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया गाइज? गाइज आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सैमुअल कॉल्ट। पिस्तौल का आविष्कार, रिवॉल्वर का आविष्कार, सैमुअल कॉल्ट ऑप्शन नंबर डी। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था गाइज? फाउंटेन पेन आपका हमेशा केसी कत्व सिद्धांत पे काम करता है, कैपिलरी एक्शन पे काम करता है, ध्यान में रखिएगा। कैपिलरी एक्शन का मतलब है ग्रेविटी के अपोजिट, ग्रेविटी से ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ जाती है, कैपिलरी एक्शन में कोई चीज़ हमेशा नीचे से ऊपर जाती है, ये कहलाता है आपका कैपिलरी एक्शन। ग्रेविटी के विरुद्ध कोई चीज़ नीचे से ऊपर चढ़ना कैपिलरी एक्शन होता है, कैपिलरी सिद्धांत होता है। फाउंटेन पेन आपका कैपिलरी सिद्धांत पे काम करता है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया गाइज आपका लुइस ई वाटरमैन के द्वारा। लुइस ई वाटरमैन के द्वारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, वाटरमैन। रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्व से, रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्व से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब है गाइस पोषण, कितना उनको पोषण मिल रहा है उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। पोषण के अंदर स्पेशली नाइट्रोजन चाहिए पेड़ पौधों को, स्पेशली फॉस्फोरस चाहिए, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जो मिश्रण है वो कहलाता है पोषक तत्व है, यानी यूट्रोफिकेशन। दिए गए ऑप्शन में से असंगत को चुनिएगा गाइज। दिए गए ऑप्शन में से असंगत क्या बनेगा गाइज? इंसाइसर, केनाइन, मोलार या बोन।
देखिए ऑप्शन में से एस संगत क्या बनेगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 39। एस संगत क्या बनेगा, एस संगत क्या बनेगा गाइज, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन बनेगा गाइज यहाँ पे, एस संगत गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में बॉन्स। बाकी तीन आपके दांतों के प्रकार हैं, ऊपर वाले तीन आपके दांतों के प्रकार हैं, चौथा ऑप्शन गाइज आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बॉन। ठीक है, ऊपर वाले तीन आपके दांतों के प्रकार है, टाइप्स ऑफ टीथ। किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है, किस ग्रह को भोर का तारा सांझ का तारा कहा जाता है गाइज, मरकरी विनस मास या सैटर्न। मरकरी बुध को बोलते हैं, विनस आपका शुक्र को बोलते हैं, मास मंगल हो गया, सैटर्न आपका शनि हो गया। तो क्या आंसर बनेगा गाइज यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर है गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनस। देखिएगा थोड़ा इंग्लिश भी याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन हिंदी में आया हुआ है और हिंदी में भी देखिएगा शुक्र को विनस लिख दिया है और बुध को मरकरी रख दिया है इसने, तो थोड़ा सा मतलब ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के बहन बोलते हैं शुक्र ग्रह को और सबसे गर्म ग्रह होता है आपका शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह रोग हो जाता है गाइज, इसमें एक ऑप्शन और लिखता हूँ मैं, गलत है गाइज, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ इंसुलिन, ऑप्शन कम लिखा है एक, मैंने लिख दिया इंसुलिन। ठीक है, मैंने ऑप्शन लिख दिया इंसुलिन। देखिए ऑप्शन में से बताएगा गाइज किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है, धीरज बाबू ऑप्शन ई होगा, निक्की विक्की ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, प्रकाश ऑप्शन नंबर ई, पूजा सैनी ऑप्शन नंबर इंसुलिन, इच्छा जोशी ऑप्शन नंबर बी, दिलीप भूरिया जी ऑप्शन नंबर बी। गाइज आंसर दीजिएगा गाइज, गाइज यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे पूछा गया उच्च स्तर, ठीक है, उच्च स्तर का मतलब अधिकता, उच्च स्तर का मतलब अधिकता, ठीक है, किसकी अधिकता से डायबिटीज होता है, तो डायबिटीज होता है आपका ग्लूकोज की अधिकता से, किसकी कमी से डायबिटीज होता है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, दोनों चीज़ अच्छे से कन्फर्म कीजिएगा, इंसुलिन की कमी से आपका डायबिटीज होता है, बिल्कुल सही आंसर दिया रविराज जी, इंसुलिन की कमी से आपका डायबिटीज होता है और ग्लूकोज की अधिकता से होता है आपका डायबिटीज, समझ गए। अब देखिएगा पेनक्रियाज हो गया, अपना जो अग्नाशय होता है उसके अंदर लैंग्रेन्स द्वीप होता है, उसके अंदर एक तो होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है डेल्टा। अल्फा आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, ये इंसुलिन का लेवल बढ़ाएगा और ये आपको इन दोनों का, यानी ये ग्लूकोज बढ़ाने देगा, ये इसको कम करेगा और ये दोनों के बीच में समन्वय बना के रखेगा गाइज। तो ग्लूकोजन होता है अल्फा से, इंसुलिन होता है बीटा से और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन। हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, अधिकता ग्लूकोज लेना है और कमी के लिए आपको इंसुलिन लेना है। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती है गाइज, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है गाइज, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है गाइज, गाइज आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, चार जोड़ी। आज पूजा जी नेट कमजोर चल रहा है तुम्हारा, आंसर बन जाएगा गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा कितनी जोड़ी, जोड़ी का मतलब चार और टोटल कितनी आठ, क्लियर है, कितनी जोड़ी आंखें होती है गाइज, तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से देखना एग्जाम में क्या पूछा गया है। बल्कि ऐसा यूनिट क्या है गाइज, बल्कि ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन न्यूटन पास्कल या वोल्ट, बल्कि ऐसा यूनिट क्या बनेगी, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बनेगी, ठीक है गाइज, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बनेगी गाइज, और यहाँ से अपना आंसर बन जाएगा न्यूटन, ये बोल दीजिएगा चाहे ये बोल दीजिएगा, ऐसा ही पूछिए तो अपन टिक लगाएंगे न्यूटन पे। पास्कल होगी आपकी दाब की, केल्विन होगी आपकी टेम्परेचर की, वोल्ट होगी आपका वोल्टेज की। न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक किसको दर्शाता है गाइज, परमाणु क्रमांक किसको दर्शाता है गाइज, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन, गाइज नेट कम चल रहा है तो मोबाइल के अंदर ड्यूल स्लॉट होगा तो सिम एक स्लॉट से निकल के दूसरे स्लॉट में डाल लीजिएगा, कभी भी प्रॉब्लम हो तो स्लॉट चेंज कर लिया करो गाइज। यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन। चार वोल्टेज की बैटरी से एक ओम और तीन ओम के रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, बैटरी से होकर प्रवाहित करंट कितनी होगी गाइज, ये तो एक मैंने वोल्टेज लगा दिया और इसके साथ में एक तो रेजिस्टेंस लगा दिया चार ओम का, एक लगा दिया एक ओम का, इस तरीके से
ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस और ये आपकी एक बैटरी लगी 4 वोल्ट की। अब इसके अंदर कितनी करंट फ्लो होएगी ये अपने से पूछा गया है। करंट का मतलब होता है कि V बटे R, I का मतलब हो गया V बटे R, वोल्टेज आपका 4 है और करंट रेजिस्टेंस आपका 4 हो जाएगा, 4/4 यानी 1 आपका आंसर बन जाएगा गाइस, 1 आपका आंसर बन जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा, श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाली उसमें विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की दूरी के क्या होता है गाइस। कल भी आया था ये क्वेश्चन, किसी भी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले उसमें विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की, ये वस्तु हो गया ये बिंदु हो गया इनके बीच की दूरी डी है, तो इस डी के साथ में क्या रिलेशन बनेगा गाइस। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका आंसर बन जाएगा गाइस। NH3 और BF3 इनके बीच में कौन सा संबंध होता है गाइस। देखिए ऑप्शन में से विद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक, हाइड्रोजन बंध, दिए गए अणुओं के बीच में कौन सा बंध होता है गाइस, क्या आंसर बनेगा गाइस। यहाँ पे गाइस यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा, देखिए गाइस आपने सुना होगा सहसंयोजक बंध क्या होता है, यानी यदि इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहे हैं दो एटम्स है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो अपन कह देते हैं सहसंयोजक बंध। लेकिन एक ही जना अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को शेयर करें, एक ही कैंडिडेट आपके दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ शेयर में करें, उसको कहते हैं उपसहसंयोजक। तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा सहसंयोजक के अंदर दोनों आपस में बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उपसहसंयोजक के अंदर एक ही जना अपने इलेक्ट्रॉनों को दोनों जनों के अंदर शेयर करता है, उपसहसंयोजक बंध, ऑप्शन सी। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है गाइस, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा नहीं किया हो तो, क्या आंसर बनेगा गाइस, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है गाइस। 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे गाइस, गाइस यहां पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र आपका गाइस CnH2n+2, देखिएगा ये आपका एल्केन होता है, ये आपका एल्कीन होता है और ये आपका एल्काइन होता है, एक को याद कर लीजिएगा, केन कीन काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, ये सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा, एल्केन एल्किन एल्काइन। यहाँ पे हाइड्रोजन कम होते जाते हैं, यहाँ प्लस टू है, यहाँ पे 2 कम हो गए और यहाँ पे और 2 कम हो गए, ठीक है, एल्केन एल्किन एल्काइन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा गाइस। कौन सा ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र है, देखिए ऑप्शन में से, हाँ आज इवनिंग में क्लास करेंगे आई थिंक, हो जाएगा आज दोपहर वाली क्लास नहीं करेंगे गाइस अपन राजस्थान वाली। ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र क्या है गाइस, देखिए ऑप्शन में से ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र क्या है गाइज, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C2H2O4। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है अपना C2H2O4, ऑप्शन नंबर बी C2H2O4। वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है गाइज, आपका जो CaOCl2 होता है ये कहलाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। अगर ये हवा के संपर्क में आएगा तो टूट जाएगा, CaOCl2 हवा के संपर्क में आएगा तो टूटेगा, टूटेगा तो किसके अंदर टूटेगा, ये आपका क्लोरीन में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बनेगा, कैल्शियम का कुछ यौगिक बनेगा, तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अपघटन द्वारा Cl2 उत्पन्न करेगा। वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है, क्योंकि अपघटन द्वारा क्लोरीन गैस उत्पन्न करेगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस सेशन को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी क्वेश्चंस देखेंगे कल फिर से 10 बजे शाम को 4:30 बजे, आई थिंक आज वाला अपना हो जाएगा गाइज, दोपहर वाली क्लास नहीं होगी आज अपनी। ओके गाइज तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कम से कम 1-2 जगह शेयर कर दीजिएगा। ओके गाइज तो गाइज यहाँ पे सेशन को समाप्त करते हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।